अभी मैं जा रही हूँ मम्मी पापा से मिलने। मेरी फोटोज हटा हटा दिए मेरे माँ बाप ने। बहुत बड़ा कांड हो गया। रश्मि जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस बात तरह की बात करने? आपने पहले मुझे कहा, इसलिए मेरे को कहना पड़ा। क्या बोला मैंने? लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि हम इंदौर से निकल रहे हैं और अब इस व्लॉग में हम रांची पहुंच चुके हैं। बीच की जर्नी हम आपको नहीं दिखा पाए क्योंकि ये बिलबिल राम था और इसने जो गाने गाए हैं और जो कांड किया। अब हम जब वापस जाएंगे तो प्लेन की जर्नी ज़रूर दिखाएंगे आद्या की। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे जो इस बार के पायलट थे उनका कुछ स्क्रू ढीला हो गया था। उन्होंने ऐसी फ्लाइट चढ़ाई है ना, हमें तो ऐसा लगा कि आज हमारी फ़्लाइट ढुक। वो कितनी बार उसने गड्ढे में गिराई है फ्लाइट। वो सब छोड़ो, इस एयरपोर्ट का नाम है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। और मैडम नाम भी पहली बार सुना है ये। अरे मम्मी, अभी तो बहुत पहली बार देखोगे चीज़ों को झारखंड में आए हो। अभी मैं जा रही हूँ मम्मी पापा से मिलने। कितने साल के बाद जा रही हो? मैं दो ढाई साल। इतने साल बाद जा रही हूँ कि याद ही नहीं कितने साल बाद जा रही हूँ। मैं के हेलो बोला था ना, थैंक यू। अरे वाह, मेरे लिए 5 स्टार भी आई है। सबके लिए 5 स्टार आई है। बचपन से लेके आज तक पापा जितनी बार हमें रिसीव किया है इसके साथ रिसीव किया। दैट्स माय फादर्स स्पेशलिटी। चलो चलो ये अब मेरे घर सीधा। हाँ, मैं अपना घर दिखाती हूँ। मैं तो गाड़ी में सोच रही थी आपको। तुरंत तुरंत आई ना। हाँ मेरे बाबू। हाँ हम जानते हैं एक दूसरे को बहुत अच्छे से। धूप से ले चलो। मम्मी फेल। कोई बात नहीं, फेल 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 हो गई नानी। तो मिलने नानी। ये है मेरा घर। वेलकम टू द प्लेस जहाँ पे मैं पली बड़ी और बड़ी हुई हूँ। ये हमारा छोटा सा घर जहाँ पे मैंने बहुत सारी बदमाशियाँ की है। यहाँ पे हमारे पापा हैं और यहाँ पे शील्ड ही शील्ड है। सिर्फ मैंने जीता गाइस। एक बात बता दूँ, मेरा बचपन में नाम रश्मि कपिला था, ठीक है? फिर जब मेरी ज्यादा शील्ड हो गई ना तो इन्होंने अपना नाम रश्मि कपिला कर लिया। वेरी जेलस पीपल। ये हमारा डाइनिंग रूम है और मैं अपना रूम दिखाना चाहती हूँ। ये हम लोग की अजीबोगरीब फोटोज बचपन की, सातवीं का पता नहीं क्यों परिमा बनी हुई है। ये मेरा रूम है और ये मेरी कलाकारी है बचपन की। पूरे रूम में मैंने ऐसी छिपकलियाँ, मछलियाँ, स्पॉन्ज बॉब ड्राइंग कर करके लगाए हुए थे। अभी तक ये सारे स्माइलीज मैंने बचपन में चिपकाए थे। ये मेरी वो स्टडी टेबल है जिसमें मैंने कभी स्टडीज नहीं की है। इसके अंदर कभी खरगोश, कभी बिल्ली का बच्चा इसके अंदर रहता था। ये साइकिल किसके लिए है? ये साइकिल किसकी आई है? ओ भाई आजू, तेरी तो बड़ी प्यारी साइकिल आई हुई है। अरे वाह। अच्छा, हम लोग जब भी घर में आते हैं तो ये हमारा छोटा सा मंदिर है जहाँ पे सब प्रणाम करते हैं जाने और आने से पहले। तो आप लोग भी प्रणाम कर लीजिए। मेरी फोटोज हटा हटा दिए मेरे माँ बाप ने। मेरी फोटोज कहाँ है? कहाँ दिख नहीं रही है। तो सात्विका की फोटोज क्यों नहीं शिफ्ट किए? अभी हो रहा है कि करके। तो मेरी हटा दी आपने। हमारा एक सेक्शन है, उसका अलग सेक्शन बनेगा। ये बहुत वो हो रहा है, मेरी सारी फोटोज हटा दी। यार ये मम्मी का मेकअप रूम हुआ करता था और इसमें हमें हाथ डालना अलाउड नहीं था। ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग लिपस्टिक लेके ना जमीन पर रगड़ देते थे, पेंटिंग करते थे उससे। तुम भी मैं और वो लेके उसमें वाइट वाला जो वो होता है बॉडी लोशन उसको यहाँ पे बना देते थे। We were so creative, you know? हमारी क्रिएटिविटी रोकी गई है लॉक लगा लगा के। फूट के निकलता। बहुत बड़ा कांड हो गया है, बहुत बड़ा कांड हो गया है। अनबिलीवेबल चीज, ऐसी चीज ना कि लग गई गंदी लग गई है। धीरे धीरे पता चलेगा। अब थोड़ी देर में हम आपको डिस्क्लोज करेंगे कि हुआ क्या है। ठाकुर से रिलेटेड है गाइस, बहुत सीरियस बात हो गई है। जैसा आप लोगों को पता है कल मैंने बताया था कांड हो गया है, तो मैं कांड के पास जा रही हूँ और दिखाती हूँ क्या हुआ है। भाई डरना मत, कोई डरेगा नहीं।
ब्लॉग में ऐसा दिल थाम के बैठना, मतलब डरना वरना मत, मेरा चैनल अनसब्सक्राइब मत कर देना इसके बाद। हेलो पापा जी। ओ परेशान कर दिया मुझे, मैं तो सोचना चाहिए बुढ़ा आदमी बेचारा सीनियर सिटीजन रात को 10 बजे टिकट भेज देते, रात को 10 बजे टिकट भेज दिया आ जाते तो ही वैसे 2 किलोमीटर पे ही है, सूरत से रांची 1000-2000 किलोमीटर। थैंक यू पापा जी के लिए सारा कुछ सारा गुस्सा तो मेरे पे उतर गया, तभी तो मैंने आपको आगे भेजा। जादू आ गए तू कहाँ आ गया, तू यहाँ जादू ही नहीं तेरे। हमने थोड़ी आपकी टिकट कराई पापा, आद्या ने कराई बुकिंग। आपके बिना मन ही नहीं लग रहा था, हम लोग पापा ऐसा नहीं आपको तंग करने के लिए नहीं सोचा, हम लोग तो बस एक्साइट हो गए सर, बच्चों तो एक्साइट हो गए। गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, टुडे इट इज अ ग्रेट मोमेंट फॉर अस व्हेन आवर ग्रैंड डॉटर आद्या हैज कम टू रांची एंड वी आर सेलिब्रेटिंग अ ब्लेसिंग डे टुडे। गाइस मैं इवेंट की जगह पे आ गई हूँ, उसके नाना नानी ने ये इवेंट किया है और आज इस जगह पे जितने भी लोग शामिल हैं वो सारे वो लोग हैं जिन्होंने मुझे ऐसे गोद पे खिलाया है और आज वो मेरी बेटी को ब्लेसिंग्स देने आया है। तो एक एक के पास ऐसी ऐसी कहानियाँ होंगी मेरी कि शायद आप सुन पाओ नहीं सुन पाओ मुझे पता नहीं। आई एम अ टीचर एंड शिवानी इज अ स्टूडेंट ऑफ दैट स्कूल। हाँ तो शिवानी उधर एकदम मतलब पढ़ती नहीं थी पढ़ती नहीं थी वो नहीं है ऐसा नहीं है। हाँ शिवानी वॉज ऑल्सो फेमस इन स्कूल। आई हैव ऑलवेज बीन फेमस FYI। हम आप लोग बताओ कुछ भी जो भी आप लोग को याद आता है। बहुत सुंदर हो और पहले भी सुंदर थी और अभी भी बहुत सुंदर हो। यही सुनने के लिए मैंने क्वेश्चन उठाए हैं भाई। आप बताओ आप मेरे को कहाँ देखते हो, इंस्टा की YouTube हाई फाइव बेस्ट। मैम आप बताओ कुछ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मुझे इसकी वीडियो भेजता है तो मैं उसको ये बोलती हूँ, ऑलवेज बोलती हूँ कि अरे ये लड़की तो मैं मेरी कॉलोनी की है, मेरी मैम की बेटी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर लोग मुझसे और ज़्यादा पूछते हैं बताओ यार कैसे तुमने इसको बचपन से देखी। मैं हाँ देखे बिल्कुल बचपन में वही लड़की नाक में उंगली डाल के भागती हुई नहीं थी। कैमो नाचो आंटी। सो ये मेरी सबसे सुंदर आंटी बचपन से लेके आज तक, अगर मुझे कोई आंटी बहुत सुंदर लगती तो रिंकी आंटी। थैंक यू थैंक यू। नमस्ते नमस्ते अंकल, कैसे मैं बहुत अच्छी हूँ। अरे तू मम्मी भी बन गई। अरे मेरा ही है जिनको नहीं पता है। नहीं ये मेरे को बर्दाश्त करके पढ़ाती थी। मेरी बदमाशी बताइए ना। हमारी बदमाशी प्रॉपर वाली सारी एक 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 इसी सबसे बड़ी बदमाशी है कि जब से सूरत गई है वहीं की बकरी सब इनकी कमी है। मेरी सास मुझे ना आने ही नहीं देती है। गाइस अब हम आपको हमारी पार्टी में हमारे यूट्यूब के CEO भी आए हैं और प्लीज़ ये बात लोगों से शेयर मत करिएगा नहीं तो बाकी इन्फ्लुएंसर्स को जलन हो जाएगी। सो ये है हमारे यूट्यूब के CEO, इनके भरोसे कहानी चलती है। I am missing Tushar Thoroli. So ये नाना नानी लेके आए हैं अपनी आदू के लिए। चलो चलो बैठो 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 सिट। बिलो 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 तो यार
यार बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत इमोशनल फील कर रही थी लोगों से मिलके कनेक्ट होके। ये इवेंट मैं आपको फिर से बता दूँ, हमने इसलिए किया क्योंकि आद्या पैदा होने के बाद मैं यहाँ आई नहीं, डिलीवरी वैसे मायके में करते वो भी नहीं करवा पाई मैं, तो आद्या फर्स्ट टाइम अपने नानी के घर आई है, तो बहुत लोगों को इच्छा थी उसको ब्लेस करने की, तो हमने बोला एक एक घर लेके जाने से अच्छा है कि एक इवेंट करते और सबको यहीं बुला लेते। तो ये क्लोज निट फैमिली जो आए थे, पापा पापा आप पछता रहे हो यहाँ आके कि नहीं? क्यों मैं क्यों पछताऊंगा? मैंने आपको तंग कर दिया यहाँ तक लाने के लिए? तो तुम्हारे पे गुस्सा हो, गुस्सा तुम्हारे पे होना चाहिए, पछताना बड़ा होता है। तो यहाँ पे हम ये व्लॉग एंड कर रहे हैं, पर हमारी जर्नी खत्म नहीं हुई है, बहुत कुछ दिखाऊंगी और देखने को मिलेगा। स्पेशली मैं आद्या को वो जगह लेके जाऊंगी जहाँ मेरा बर्थ हुआ था, जिस हॉस्पिटल में और जिस घर पे मैंने इस एज में टाइम गुजारा था, वो घर दिखाऊंगी। फिर रांची में बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं और पता नहीं क्या क्या करेंगे हम, क्या क्या करेंगे पापा। अब तो ठाकुर आ गए, टेंशन की कोई बात नहीं, बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमेंट में बताओ कि क्या देखना है आपको। आद्या की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, मम्मी का कहना है उसको नज़र लगी है, और अभी हम लोग उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं आधी रात को।